तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो देख के आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसका क्रेडिट गोज टू बारिश 2022, बिकॉज बारिश ने हम लोगों को घूमने से रोका, घर पे बैठने के लिए मजबूर किया। एंड क्या करे, अपने मन को अच्छा करने के लिए घर की मेकओवर मैंने कर डाला, जो कि एक्सट्रीम मेकओवर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, घर के सामान को मैंने इधर उधर चेंज करके इस लुक को बनाया, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो चीज़ की ज़रूरत है इस मेकओवर को करने के लिए, वो है अपना हार्डवर्क एंड अपना क्रिएटिविटी। तो जो भी सामान मेरे पास था, उसी सामान से मैंने इस मेकओवर को करने की ठान ली है। एंड इस बीच तबीयत का इशू भी चल रहा था, तो थोड़ा मैंने रुक रुक के काम किया, इससे मुझे टाइम यहाँ पे लग गया है। मेकओवर का पहला स्टेप होता है साफ सफाई, जिस साफ सफाई में मुझे हेल्प चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैंने हस्बैंड का हेल्प लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आज के वीडियो में मैं अपना मेकओवर का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। क्या करो वाला, कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ ये सब कुछ टेक ओवर कर लेगा, सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। कुछ भी करने नहीं देगा, दुष्ट करेगा, बदमाशी करेगा। तो देखो, अभी खेलने का मूड, जैसे जैसे ही कोई काम करेगा वैसे ही उसका खेलने का मूड चल। कौन करेगा? ऐसा करके दो। अरे दो, ऐसा करके दो। वन टाइम में होएगा था ताले चिकन मोमो। वन टाइम हो जाने से चिकन मोमो? हाँ, क्योंकि मम्मी को नहीं आता, वन टाइम चला गया चिकन मोमो, बच गया ना, ढोका ही नहीं, बच गया चिकन मोमो, बच गया चिकन। तुम इसको देखो, बदमाश को देखो। अभी तक नहीं हुआ है, एंड इसका क्या हाल कर दिया है ना, बोलो। क्या बोल रहा है? चिकन मोमो दे ही दोगे तो इसको चाल दूंगा, नहीं करना है, चिकन मोमो देना पड़ेगा, सैटरडे नाइट ही देना पड़ेगा। इस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग ड्राइंग थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे ही हमारा सब कुछ है, तो 4 पार्ट मेकओवर करेंगे। तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ विंडो मेकओवर के बारे में, बिकॉज सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड एरिया मेरा ये विंडो ही है। आप किसी भी विंडो का या डोर का इस तरीके से मेकओवर कर सकते हैं। तो जब पहले आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ कार्बन पेपर की पीसेस जो है कट किए हैं, एक्चुअली प्रीवियसली जो वॉलपेपर का मैंने इस्तेमाल किया था उसके अंदर जो राउंड पैकेजिंग कार्डबोर्ड था, उन्हीं कार्डबोर्ड के पीसेस को इक्वल सेंटीमीटर में कट करके दो लूप होल के बीच में सेट कर दिया, इससे जो है पर्दे का सेटिंग अच्छा रहता है। और एक टिप, पर्दा रिलेटेड, जब भी आप पर्दे को धोए तब भी आप उसके जो लूप होल है उसको ऐसे टाई कर दीजिए, इससे जो लूप होल है वो ख़राब नहीं होता। कभी कभी पर्दे के साथ जो आता है टाई करने से, उस तरीके से भी दे सकते हैं, अदरवाइज है रस्सी लेके इसको टाई कर सकते हैं, तो इससे भी पर्दा आपका अच्छा रहता है, धोने के बाद इस्त्री करने के बाद एकदम न्यू जैसा लगता है। जब तक बेटा पर्दे को सेट करे तब तक मैं एक न्यू साड़ी ले रही हूँ, जो खुद पहनने के लिए लिया है, उसी का इस्तेमाल मैं इस मेकओवर में करूँगी, बाद में इसको पहनूँगी भी, क्योंकि मैं ये मेकओवर दिवाली के लिए कर रही थी। तो फर्स्ट डे मैं रिबू को बता दूँगी कैसे इसको करना है, एंड फिर के हाथों से ये कराऊंगी, क्योंकि जो परंपरा है वो नेक्स्ट जनरेशन को जाना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारे घर के परंपरा हमारे नेक्स्ट जनरेशन ही रखेंगे। तो पहले दिन वो करेगा अपने हिसाब से, एंड वो लुक भी सेट किया जो भी अच्छा भी लगा। मेरी बारी, काल रात को मैंने भगवान जी को थोड़ा अलग बिठाया है, क्योंकि आज मुझे सिंहासन का भी मेकओवर करना है। तो पहले मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ सब कुछ, एंड इसके बाद इसको प्रॉपरली मैं कर देती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, साड़ी को प्रॉपरली मैं प्लीट ले रही हूँ, एक एंड से दूसरे एंड तक मैं प्लीट कर रही हूँ, एंड बीच बीच में मैं सेफ्टी पिन को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हिसाब करके बीच में लगा दूँगी, फिर लेफ्ट साइड में एक बार दो बार घुमा दूँगी, राइट
राइट साइड में दो बार घुमा दूंगी। इसके बाद एक एक एंड को आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो जो है ये एक प्रॉपर एप्लोस्ट्री के लुक में आ जाएंगे। एंड इसके ऊपर हाईलाइटेड एरिया को आपको लाइट से सजा देना है। एंड देखिए ये एक प्रॉपर लुक सेट हो गया, जो कि आप शादी में, आप मैरिज एनिवर्सरी में, आप बर्थडे में इस तरीके का डेकोरेशन कर सकते हो। तो मैंने और एक साड़ी ख़रीदा था तो उसको मैं सिंहासन का मेकओवर करने के लिए यूज़ करूँगी सेम तरीके से, लेकिन इसका अलग से वीडियो मैंने नहीं किया था। एंड उसके ऊपर लाइट भी मैंने सेट कर दिया है एंड इससे सिंहासन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ का लुक मैंने एक प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। एंड यहाँ पे पहले मुझे बुक सेल्प का कुछ करना है। एक्चुअली हर बंगाली के घर में ये होता ही होता है, बुक्स सारे। हम अभी तो इतना नहीं पढ़ते लेकिन इनको छोड़ भी नहीं सकते, और श्री राम कृष्ण कथा हमने तो अन भगवत गीता, इनको छोड़ के कैसे रह सकते हैं, दिल के बहुत ही करीब है। तो ये सारे बुक्स रह रह के क्या हो रहा है, ये रिबू के बुक्स है, अभी पढ़ने का किसी को भी टाइम नहीं मिलता। तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने किचन मेकओवर पर मिले थे उन सारे पेपर तो रैपिंग करके रख दूंगी ताकि धूल मिट्टी जो है के किताब है ये भी मेरे दिल के करीब है, यहाँ पे रह के ये सारे धूल मिट्टी जम जाते हैं। अभी रात को 11:10 हो चुका है एंड इसको मैं नेक्स्ट डे सेट कर दी हूँ। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो बेटे को अब देखो बहुत बुखार है, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से चेक करी थी कोविड के बारे में, तो बेटे को हुआ है कोविड। हमारे घर की परिस्थिति पूरी उथल पुथल थी, तो सोफ़े कवर को जैसे धोया है वो सूखने में टाइम लगेगा। इस बीच हम कुछ प्लांट्स के कटिंग ले लेते हैं क्योंकि घर सजाने के लिए इसकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो जो प्लांट्स आप देख रहे हैं उस प्लांट को मैंने रेनी सीजन से पहले सब कुछ सेट करके रख दिए थे एंड उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं प्लांट्स के लिए वीडियो भी अपलोड करूँगी। अभी मैं कुछ कटिंग्स लेकर घर चलती हूँ ताकि जो नॉर्थर्न पार्ट है, जो भगवान जी का मंदिर के पास का जगह है, उसको इस प्लांट के साथ मैं कवर करूंगी। बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट एरिया है तो एज पर वास्तु मैं घर का मेकओवर कर रही हूँ, जिस साइड में जो कलर एंड जो चीज़ें रहना चाहिए वो उसी तरीके से मैं मेकओवर कर रही हूँ। अगर आपको वास्तु के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो जो है आप ग्लोब लेके बैठ जाइए, मैप लेके बैठ जाइए, जैसे हमारा इंडिया का मैप है या ग्लोबल मैप है, तो जहाँ पे जो है उस तरीके का चीज़ें आप प्लेस करेंगे तो वास्तु ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग पीसेस को मैं यूज़ कर रही हूँ किसके ऊपर, जो जोमेटो का डिलीवरी होम डिलीवरी आता है वो जो कंटेनर है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं धो के रख देती हूँ, तो इस तरीके से वो भी एक प्लांटर बन जाता है। एंड बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग रख के क्या होता है, प्लांट्स के कटिंग भी बन जाते हैं, घर भी खूबसूरत रहता है एंड रीयूज चीज़ों का हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इनको सेटिंग कर दूँगी। तो दो जो है वाटर प्लांट मैं ऊपर सेट कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वाटर एलिमेंट मतलब अच्छा रहता है, तो उसको मैं सेट कर दूंगी। जो एक्सटर्नल प्लांटर आप लोगों को दिख रहा है वो मैं रिलायंस शॉपिंग से खरीदी थी, उसका भी एक ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड उस बीच में वाटर के बीच में शिप तो होना ही होना चाहिए, तो मैं कभी दिवाली में अलग से कॉइन नहीं खरीदती हूँ, कुछ ना कुछ 100 पीसेस जो है सिल्वर का खरीद लेती हूँ, इससे मेरा घर भी सज जाता है एंड चीज़ों का इस्तेमाल भी हो जाता है। ये भी मेरा जो प्लांटर है मेरा बहुत पुराना है एंड उनके अंदर मैं सेट कर रही हूँ स्वीट्स के डब्बे। स्वीट्स के डब्बे जो घर पे आते हैं वो उसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ एंड उसको भी एज ए प्लांटर एंड इसके अंदर सेट कर दिया है। देखो रीयूज करते हैं तो कुछ जो है पोल्यूशन से हम नेचर को रोक सकते हैं एंड उसके साथ साथ हमारा कितना फायदे भी देता है। तो उसके पास मैंने बुद्धा एक मूर्ति को सेट किया है। अभी जो है ये सोफ़े का मेकओवर मैंने किया है, जो सोफ़े का जो एक्चुअली कुशन कवर है वो मैंने ख़रीदा था अमेजोन से, तो वो अमेजोन परचेज का वीडियो मैं लिंक दे दूंगी, आपको चाहिए तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो सोफ़ा का मैंने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी थे एंड थोड़ा थक भी गए थे,
तो इस साइड मैं उससे कर दी हूँ। अभी मुझे करना है डाइनिंग का मेकओवर। डाइनिंग के मेकओवर के लिए मैं रीयूज़ कर रही हूँ मेरा एक ओल्ड साड़ी, ओल्ड सिल्क कंजीवरम साड़ी मेरे पास था, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे जो चीज़ प्लेसमेंट करनी है, मतलब मैंने जो चीज़ें ख़रीदा है इसका पहला इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, जो कि मैंने दिवाली के लिए परचेस किया है, तो इसलिए मैं कंजीवरम साड़ी को पहले पिन से सेट कर लूँगी। क्योंकि बड़ा साड़ी होता है, हेवी साड़ी होता है, इसका जो बीच का बॉर्डर है, येलो बॉर्डर है, वो मुझे चाहिए। थीम के साथ ये बहुत अच्छा मैच करेगा। राइट साइड में मैं व्हाइट एंड रेड का इस्तेमाल करी हूँ, एंड टीवी के साइड में मैं पिंक का इस्तेमाल करी हूँ। तो वो भी मेरा ओल्ड साड़ी है, पहना है लेकिन धोया नहीं, तो उस साड़ी का इस्तेमाल किया है। एंड ये है फर्स्ट परचेस जो मैंने अमेजन से ख़रीदा है, ये टेबल कवर, तो इसको मैं सेट कर दूँगी। ये थोड़ा ग्लिटरी थोड़ा लुक दे रहा है। एंड ये लैम्प मैंने ख़रीदा था जब मैं लक्ष्मी पूजा के मार्केटिंग करने गई थी, तो उस दिन कैमरा नहीं ली थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को फुटेज नहीं दिखा सकती। तो ये मैंने भुवनेश्वर मार्केट से ख़रीदा है, ये लैम्प है। एंड एज वेल एज इसको आप फ्लावर वर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, पुराने प्लेसमेंट है जो ओकेशनली मैं यूज़ करती हूँ, उसको सेट कर दिया है। कुछ DIY मैं कर रही थी। ये मैक्रेम का एक ड्रीम कैचर है, इसके लिए मैंने बेल्स जो है अमेजोन से ख़रीदा है। सारा कुछ लिंक मैं दे दूँगी एंड प्रीवियस परचेस का वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये मेरे पास प्लांटर थे, इसको मुझे कलर करना है। बीच में रेन रुक गई थी, बहुत अच्छा धूप भी निकल के आया था, तो इस काम को मुझे करना है क्योंकि इसको सुखाने के लिए धूप चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मैन्योर भी रह गए हैं, प्लांट्स का प्लांटेशन मैंने बहुत दिन से नहीं किया है, तो जो ये प्लांट स्टैंड है ये भी बहुत पुराना है, इसको मैं कलर कर रही हूँ। कलर ही मैंने ख़रीदा था एक्चुअली में, एंड इसको मैं अपने हाथों से ही कलर करके फिर इसको जब सूख जाएगा तब मैं घर लेके जाऊँगी एंड इसका भी प्लेसमेंट करूँगी। तो एक्चुअली जब कलर कर ही रही थी तब सारे प्लांटर एंड जो प्लांट स्टैंड पहले से थे सबको ही मैंने कलर कर डाला। सभी अमेजोन परचेज ही है, अगर लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबको कलर कर डाला, लेकिन सबकी जगह जो है डाइनिंग ड्राइंग में नहीं मिला, तो इन लोगों को अलग से प्लेसमेंट किया, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। एंड कुछ थीम के साथ इनको किया था, एक येलो किया था, एक वाइट किया था, कुछ और मन में चल रहा था जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन टाइम तो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। तो जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे सूखने के लिए टाइम लगता है, तो जो प्लांटर पहले से सूख चुके थे उनको मैं घर पे लाके कुछ पेंटिंग किया है। एंड ये पेंटिंग करने से एक्चुअली सारे काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली आपको जो है टाइम ही इन्वेस्ट करना है एंड आपको आइडिया जो है इन्वेस्ट करना है कहाँ पे क्या चलेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ किया, एक्चुअली बचपन में तो ये करते थे, फिर रिबो ने किया, फिर कुछ काम छूट गया था, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहे थे ये काम, तो मैं करती गई तो टाइम चला गया इसलिए। एंड पेंटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपके दिल में आए, जो आपके मन में आए आप करते जाओ करते जाओ। इससे जो है आपको जो अपना फील होगा, अपना टच से जो अटैचमेंट मिलेगा, तो आपको खुद अपना घर बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैंने अपना बचपन को जिया है, मैंने बहुत एंजॉय भी किया है एंड एज वेल एज घर को भी खूबसूरत बनाया है इस तरीके से। एंड मेरे को देखते ही मेरे बेटा भी रात को आके उसने भी हाथ लगाया, उसको भी अच्छा लगा, सबको ही एक्चुअली अच्छा लगता है। तो ये करते करते मेरा घर बहुत अच्छी तरीके से सज गया है। हाँ, स्कूबी कुछ नहीं कर सकता, तो स्कूबी खाली देख रहा था। तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं छोड़ा, फटे हुए ग्लास, फटे हुए कप्स, पुराने कुछ भी चीज़ से हम रीयूज़ कर लिए है सब कुछ। जैसे मेरे घर पे पूजा होते हैं वो घट थे, तो ऐसे कुछ हम भगवान के प्रसाद लाते हैं तो वो मिट्टी के बर्तन थे, सब कुछ कुछ ना कुछ करके पेंटिंग करके डीआईवाई करके रीयूज़ कर लिया है, एज ए प्लांटर, एज कैंडल होल्डर, ऐसा करके मैंने अपने घर को सजाया है एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। ओनली एक DIY मेरा फेलियर रहा है, जिसको कट करने का टाइम मैंने गलत कट कर लिया है एंड पूरा ही परिश्रम मेरा व्यर्थ का चला गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा मैक्रेम ड्रीम कैचर यहाँ पे सेट हो गया है एंड ये लुक कंप्लीट हो चुका है। थैंक गॉड कि दिवाली से पहले मैं ये कर पाई थी। एंड ये है टोटल लुक। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, आप एक लाइक दे दीजिएगा, मेरा पूरा परिश्रम का प्राइस मिल जाएगा।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहे तो कुछ भी आइडिया को कॉपी करके घर सजा सकते हैं, इसके लिए पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। एंड वीडियो में जो जो मैंने अमेजोन परचेस किया है उसका भी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो।